अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज 27 अगस्त है और हमारे मोहम्मद शिहाब भाई के सफ़र का 87वां दिन है। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिहाब भाई फिल वक्त रत्नागर में हैं, और जैसे कि कल जुमे के दिन था और आज आपको शिहाब भाई से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि रत्नागर में शिहाब भाई के साथ हुई। इस बात को सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आपका दिल इतना खुश होगा कि आप खुद कमेंट में सुभानअल्लाह और माशाल्लाह जरूर लिखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये जानकर आप भी कमेंट में बताइए कि बात सही है या गलत जो बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, 24 अगस्त को शिहाब भाई छप्पर गांव से सफ़र करते हुए 32 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद रत्नागर में एक भाई हैं जिनका नाम रफीक भाई बताया जाता है। हाजी रफीक भाई उनके फार्म हाउस में रुके। शिहाब भाई ने 25 अगस्त के दिन कोई भी सफ़र तय नहीं किया, सारा दिन वहीं पर मंडेरिया फार्म हाउस में रुके थे। और शिहाब भाई ने जुड़ी 25 अगस्त के दिन एक ऐसी भी बात सुनने में आई है कि आपका दिल भी ये सुनकर खुश हो जाएगा और हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक नौजवान मोहम्मद शिहाब साहब के साथ बैठा हुआ है और इस नौजवान भाई का नाम है अली माशाल्लाह, और अली पूर्व राजस्थान का रहने वाला है। शिहाब भाई सफर करते हुए जब पूर्व राजस्थान की ओर पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात अली से हुई। आप सब देख सकते हैं कि इस फोटो में कि अली के जिस्म पर टैटू बने हुए हैं। वो औरतों की तरह कान में बाली पहनता है, उसके बाल जिस तरह से इसने बाल बना रखे हैं हर नौजवान करता है फैशन के नाम पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब शिहाब भाई की मुलाकात अली से हुई, शिहाब भाई ने उसके इस अवतार को पसंद नहीं किया। शिहाब भाई ने दीन इस्लाम के बारे में इस नौजवान को बताया और फिर जब शिहाब भाई रत्नागर पहुंचे तब तक शिहाब भाई की बातें अली के दिल पर बड़ा असर कर गई। वो यहाँ पर यानी कि रत्नागर पर आया शिहाब भाई से मिलने के लिए। नौजवान अली ने ये टैटू 2013 में बनवाया था और जब शिहाब भाई ने इस दीन और इस्लाम के बारे में बताया उसे तो उनकी बातें अली के दिल पर असर कर गई। और फिर अली ने पैसे देकर उस टैटू को मिटवाया अपने हाथ से, और जो हाथ में कड़ा कान में बाली पहनी हुई थी वो सब चीज़ों से उसने तौबा कर ली है। उसका यह भी कहना है कि उसे ये सब पता नहीं था, इसलिए उसने अपना ये अवतार बना रखा था। उसने कहा कि जैसे ही शिहाब भाई ने उसे समझाया, उन्हीं की वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया और नई जिंदगी शुरू कर दी है। उसने कहा कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता था और वो इंशाल्लाह आगे की पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला है। आप देख सकते हैं ये सब इस शख्स पर शिहाब भाई की बातों का कितना अच्छा असर पड़ा है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ शिहाब भाई की वजह से हुआ। शिहाब भाई माशाल्लाह से पैदल हज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ रास्ते में न जाने कितने नौजवान की जिंदगी संवारते जा रहे हैं, उनकी जिंदगी में सुधार लाते जा रहे हैं। जो लोग दीन इस्लाम के रास्ते से हट चुके थे, टक चुके थे, ऐसे लोगों को शिहाब भाई ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखा दिया है, दीन इस्लाम के रास्ते पर चलना सिखा दिया है। प्यारे दोस्तों, शिहाब भाई तो दीन के पाबंद हैं और उन्होंने किसी और शख्स को भी दीन का पाबंद बना दिया है। आज ही नौजवान मुबारकबाद के लायक है, काबिल तारीफ है कि इसने दीन पर चलना शुरू कर दिया और सबका सवाब जाता है शिहाब भाई को। प्यारे दोस्तों, मेरे तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि आप भी अगर भटके हुए हैं तो दीन के रास्ते को अपना लीजिए जिस तरह अली ने अपना लिया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई दुनिया नहीं, और दीन को अपनाना ही हमारी भलाई है। अगर हम ये जान लें तो हमारी आखिरत संवर जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये हैं शिहाब भाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, दीन इस्लाम से अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वो पैदल हज पर निकल चुके हैं अपना सफ़र तय करने के लिए। और प्यारे दोस्तों, दुआ कीजिए कि इनका सफ़र आसान रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, इनके रास्ते में परेशानियाँ हटती रहें। और प्यारे दोस्तों, एक और बात, जब शिहाब भाई रास्ते से गुजर रहे हैं और कई औरतें रास्ते में खड़ी होती हैं, और अगर औरतों में से किसी का मुँह ढका हुआ ना हो तो इशारे से शिहाब भाई उन्हें कहते हैं कि नकाब डालें। मेरे प्यारी बहनों, अपने नकाब की पाबंदी करें, हिजाब की पाबंदी करें, यह भी दीन से हुजूर से वाफा है। औरतों का सबसे बड़ा अमल उनका पर्दा होता है, लिहाजा अपने पर्दे की पाबंदी करें। प्यारे दोस्तों, जब भी नमाज पढ़ते हों दुआ करते रहें कि शिहाब भाई के लिए, अपने लिए भी दुआ के लिए, ताकि हमें भी हज नसीब हो और शिहाब भाई का भी सफ़र आसान हो जाए। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मज़ीद इसी तरह की अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक
पहुंचता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।